हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन, इनमें से सबसे महंगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लान किसका है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ओटीटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो लीडिंग प्लेटफॉर्म है ओटीटी के, वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है। हमारे पास तीन प्राइवेट प्लेयर हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन। इन सब में सबसे महंगा प्लान किसका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस जियो की, तो इनका जो प्लान है उसमें आपको एक साल की वैलिडिटी मिल जाती है। ये प्लान इनका 4199 का है, जिसमें 3 GB डेटा आपको रोज मिलेगा 365 दिन के लिए। इसी के साथ अनलिमिटेड वॉइस है, 100 SMS आपको पर डे मिलेंगे और एक साल का आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। वैसे ये प्लान इनका 1499 का है, जो आपको इसमें बिना किसी कॉस्ट के मिलता है। इसी के साथ इसमें आपको जियो एप्लीकेशन, जैसे कि जियो सिनेमा, जियो टीवी, सब कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल का जो प्लान है वो 3359 का आपको पड़ेगा, जिसमें 2 GB डेटा मिलता है पर डे। ध्यान करिएगा, रिलायंस जियो में 3, इसमें 2, 1 GB कम है। 365 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है, अनलिमिटेड वॉइस आपको मिल जाएगा, 100 SMS आपको पर डे मिलता है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और 499 का ये प्लान है, जिसमें आपको बिना किसी कॉस्ट के पल जाता है। इसी के साथ इसमें आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा कुछ एप्लीकेशन का, जैसे वीडियो, विंक म्यूजिक प्रीमियम और कुछ एप्स का। विशेष ध्यान दीजिएगा, फ्री ट्रायल मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा। और आखिरी में हमारे पास आ जाता है वोडाफोन वी आइडिया, जो मुझे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लगा। क्यों? क्योंकि ये 3099 का है, इसमें 1.5 GB डेटा मिल रहा है। जियो 3 GB, एयरटेल 2 GB, ये 1.5 GB, जो बिल्कुल ही बकवास है। वैलिडिटी इसकी भी 365 दिन की है, जिसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस और 100 SMS पर डे मिल जाते हैं। एक साल का डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन है। एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको बाइंच ऑन नाइट मिल जाएगा, यानी 12 से सुबह के 6 बजे तक आपका अनलिमिटेड नेट रहेगा बिना किसी कॉस्ट के। वीकेंड डेटा रोल ओवर मिलेगा, यानी जो जो डेटा आपका पर डे बचता जाएगा वो मंडे टू फ्राइडे सब कलेक्ट होता जाएगा, आप सैटरडे और संडे को उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ 2 GB डेटा आपको एडिशनल मिल जाता है हर महीने। एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको इसमें वी म्यूजिक और टीवी भी मिल जाएगा, और इसी के साथ अनलिमिटेड मूवीज, म्यूजिक, टीवी, ये सब मिलेगा। लेकिन इसमें जो सबसे वीक पॉइंट मुझे लगा वो 1.5 GB डेली डेटा है, तो ये आप कंसिडर कर लीजिएगा। सबसे बेकार प्लान लगा और सबसे बेस्ट मुझे रिलायंस जियो का लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।